मतलब एक जिस इसी अचीवमेंट का थर्ड एग्जाम है और कीबोर्ड पे जो कर लिया ना टाइपिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, नया दिन, नई शुरुआत, नई सीख। वेलकम बैक टू माय एंड योर ओन चैनल। आज डे 21st है मेरे मेंस प्रिपरेशन का और आज डेट है 30 जून, मंथ का लास्ट डेट। यू पीपल नो तो पहले टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, बट कुछ बातें करते हैं। फर्स्ट मेरा CHSL का टाइपिंग है, टाइपिंग का अभी एडमिट कार्ड चेक करेंगे कहाँ दिया है। सेंटर तो पटना ही है, पटना में कहाँ है वो चेक करेंगे। तो कल स्टडी ब्लॉग प्रोबेबली नहीं आ पाएगा, टू डू लिस्ट बनाएंगे, लेट्स मेक इट। Get rolling. जरफ के लिए जिस्ता वाला जो सीट हम यूज करते हैं अजंता का, वो है मेरे पास, बंडल में है बट निकाल नहीं पाए। मतलब एक जिस्ता में जो लास्ट सीट था वो खत्म हो चुका था, तो हम कर रहे हैं टफ आज। पता है आपको कैसे पता होगा, मैंने तो बताया ही नहीं अभी तक। अभी आप चेक करें, आई एम यूजिंग गेस क्या, फर्स्ट कढ़ाई का इनवॉइस यूज कर रहे हैं। वैसे भी सेफ पेपर, सेफ प्लैनेट। फाइनली आज मेंसुरेशन का रेस्ट इन पीस हो गया आफ्टर 4 डेज ऑफ हार्ड वर्क। 548 क्वेश्चन हमने फिनिश। इसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए 10 मिनट म्यूजिक को एंजॉय करेंगे, कैथार्सिस, कैथार्टिक एक्सपीरियंस। इसमें चेक टाइम बीइंग 12:10 और अब नहाने एंड ब्रंच करने, तो वो मिलते हैं आफ्टर दैट। पीस मेट, पीस बैक इन द सैडल। और अभी टाइम और 12:40 और अब करेंगे इंग्लिश, ये स्ट्रेच भी होगा 2 to 2.5 hours। तो इंग्लिश स्टार्ट, पीस मी। इसी के साथ हमारा वन वर्ड्स करके हो गया, अब करेंगे idiom and phrase। लेट्स रोल। लाइट ऑफ ट्रीटेड इट लाइटली, हल्के ढंग से इलाज करना। और इसी के साथ हमने 600 तक ईडियम कर लिया। और आज के ईडियम ऑफ द डे है लॉक स्टॉक एंड बैरल। इट मींस कंप्लीटली इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एग्जांपल, आई वाज सो हंग्री दैट आई एट एवरीथिंग इन द रेफ्रिजरेटर, लॉक स्टॉक एंड बैरल। मैथ्स वोकैबुलरी, अभी करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट 651 टू 700। इम्प्रूवमेंट भी कर लिया, इम्प्रूवमेंट में टोटल क्वेश्चंस है पिनेकल में 732। तो 700 तक आज हमने कर लिया, कल 32 क्वेश्चन करके इसका रेस्ट इन पीस कर देंगे। ऑफलाइन सारा कुछ करके हो गया और अब करेंगे मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले मैथमेंस देंगे प्रीवियस ईयर, उससे पहले स्टेबल को वहां करना होगा। देखे हो गया, करेंगे 2 सेट टाइपिंग क्योंकि कल एग्जाम है और एग्जाम सेंटर भी अभी चेक करना है, देखते हैं कहाँ दिया है।
बार भी वहीं दिया एग्जाम सेंटर एंड डिजिटल गेट नंबर 3 ब्लॉक 3। तो अभी फिलहाल टाइपिंग करेंगे और टाइपिंग 2 सेट करते हैं मॉक टेस्ट 20 मिनट। एक टाइपिंग सेट अभी कर लिया और अब इट्स टाइम टू चेंज द कीबोर्ड। जो लास्ट वीडियो में हम बात किए थे केबी एचपी का जो मॉडल है मीडियम प्रेस, उसको रिप्लेस करते हैं और अभी करेंगे हार्ड प्रेस कीबोर्ड से। दिस इज द कीबोर्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट। वेट इतना है कि मतलब जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसका 2 के इक्विवेलेंट है। करेंगे, देख रहे हो आवाज। इससे पहले वाले सेट या इससे पहले जितना भी मॉक टेस्ट दिए हैं मीडियम प्रेस कीबोर्ड पे, उस पर 2 मिनट पहले ही होया था, लेकिन इसमें पूरा टाइम लगा। इसमें एरर है 0.4%। इस कीबोर्ड पे जो कर लिया ना टाइपिंग, वो कोई भी एग्जाम का टाइपिंग निकाल देगा, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, किसी भी एग्जाम का। टाइम चेक, टाइम बीइंग 5:20। टाइपिंग भी हो गया और आपने चेक किया होगा कि टू डू लिस्ट का सारा कुछ हो चुका है एक्सेप्ट रिव्यू। तो रिव्यू मॉक का रात में करेंगे और फिलहाल वीडियो करते हैं यहीं पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड SSCS पेरेंट्स। तो मिलते हैं कल इसी एंथुसियाज्म के साथ। टिल देन बाय बाय, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट।